मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना का प्रकोप फिर नजर आ रहा है, जिसके चलते कलेक्टर के निर्देश पर निगम प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत मास्क न पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम प्रशासन मास्क न पहनने पर 200 रुपए का स्पॉट फाइन लगा रहा है, ताकि इंदौर में बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। इंदौर शहर में पुनः वापस जो संख्या संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको लेकर हम पहले भी फाइन करते रहे हैं। कल से कार्रवाई हमने पुनः चालू करी और जो मास्क नहीं लगा रहे उसको हम 200 रुपये का फाइन कर रहे हैं और उनको समझाइश भी दे रहे हैं कि मास्क लगा के रहे। अभी तक कितनी चालानी कार्रवाई हुई? अभी कल हमने करीब 12 लोगों का किया था, अभी करीब 6-7 लोगों का कर दिया। अब निगम किस तरह से सख्ती बरतेगा? माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश हुए हैं, पहले भी निगम ने काफी मात्रा में स्पॉट फाइन की कार्रवाई मास्क न लगाने पर, सोशल डिस्टेंसिंग न करने पर की थी, और अभी आप देख रहे हो कि एक नई सी लहर कोरोना की आई है और काफी संख्या में चूंकि पेशेंट बढ़ रहे हैं, लोगों में जागरूकता की कमी है और इसीलिए ये शायद स्थिति देखने को मिल रही है। इसलिए जो है कलेक्टर साहब और निगम कमिश्नर माननीय प्रतिभा पाल जी के निर्देश पर ये स्पॉट फाइन की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।